एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना। और देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। मेरी यहाँ पे चाय बन रही है, ये देखिए, ये चाय बन रही है। और यहाँ मैं सेक रही हूँ ये ब्रेड। अब आप कहोगे, आंटी इतनी सारी एक साथ ब्रेड कैसे डाल रखी है तवे पे? तो जब ये नीचे की सिक जाएंगी तो ऊपर वाली रख दूंगी। जैसे ये सिक गई है नीचे की, अब मैं ये ऊपर रख ली, ये ऊपर वाली नीचे कर दूंगी। इस तरह से मैं अदर बदल के इन्हें सिक लूंगी। और मैं ये बिना घी तेल का बनाऊंगी। कोई घी बटर कुछ नहीं लगाना मुझे इसमें। खाली सिंपल इस तरह सेक के बनाऊंगी मैं ये। आज मेरा दलिया बनाने का मूड नहीं था तो मैंने कौशिक जी को बोला मैंने कि मैं आज ये दे देती हूँ ब्रेड। मैं कौशिक जी को दे रही हूँ ब्रेड। ये देखिए, चाय थोड़ा और उबल जाएगी, थोड़ा सा बढ़िया सा बन जाएगी ना उबल के। चले चाय लेके। देखिए मैं चाय लेके आ गई। पहले तो आप लोग गरम गरम चाय पी लो, अदरक और मसाले वाली चाय। और ज्यादा बन गई थी तो मैंने फेंकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सब चीज पैसा लगा हुआ है। तो मैं इसे छान ली, मैं पी लूंगी इसको। और ये कोशिश चाय, कोशिश चाय ऊपर से पकड़ गर्म है, ये देखिए। और यहाँ मैंने ये कपड़े प्रेस करवा दिए थे। ये कपड़े कोशिश के प्रेस होके आ गए हैं, कोशिश के आ रहे हैं। मेरे कपड़े प्रेस नहीं होते हैं। और ये देखिए, प्रेस करवा दिए। ये आ गए थे परसों शाम को आ गए थे 3 बजे। तो परसों से मैंने ये इन्हें खोल के रखा हुआ है, सैनिटाइज कर दिया था 2 बार और खोल के रखा हुआ था ऐसे फटा के। और अब मैं रखूंगी मैं अलमारी में। लेकिन अब अगली बार से मुझे डर लग रहा है ये कि मैं अब कपड़े दोबारा दूं तो कहीं इनके साथ उसका कोरोना का वो ना आ जाए। क्योंकि छींकना खांसना वो हमारा जो प्रेस वाला है, अभी तो फिर भी मास्क बांध के आ रहा है 2 दिन से। वैसे वो मास्क नहीं बांधते हैं भैया, तो वैसे मन में डाउट है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि करवा लो, क्योंकि हम भी करवाते हैं। हमारी माँ के यहाँ तो प्रेस के कपड़े होके आते हैं, डायरेक्ट आएंगे होके कपड़े प्रेस के और डायरेक्ट अलमारी में जाते हैं। ये नहीं है कि भाई उन्हें बाहर रखा जाए, सैनिटाइज करा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी कह रही हम ना करें बेटा, हमारे तो ऐसे आ जाते हैं, आए कपड़े और अलमारी में गए। अब तो हम तो बहुत ध्यान रखते हैं। तो फिर मेरा मन ये है कोशिश इस तरह से ढंग से चले जाते हैं बैंक, नहीं तो ये फिर अपने मुंह से कपड़े पहन के जाएंगे। अब शिवानी कह रही है मम्मी आप वो वाली प्रेस ले लो, वो आपने बिग बॉस में देखी होगी ना, जो उस पर स्टैंड पर खड़ा करके उससे स्टीम वाली प्रेस होती है, बस खड़े खड़े ऐसे प्रेस मारते रहो, तो वो वाली प्रेस कह रही है। तो कह रही वो आप भी कर लोगे, उसमें बैठने की जरूरत नहीं है और कपड़ा जलने का भी नहीं है। तो स्टीम वाली है तो कपड़ा जलने का भी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ मैं ले लेती हूँ, प्रेस वाले को तो पैसे जाते हैं। यहाँ 8 रुपए कपड़े का ले रहा है, जोड़े का 16 रुपए है यहाँ पे। और मैं ऐसी वीडियो डालती रहूंगी, आप मेरी वीडियो देखना, आपको पसंद आएगी और सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई कई बार खोल के देखती हूँ कि कितने देखा है, कितने लाइक करा है। लाइक भी नहीं करते, लाइक करने में कंजूसी, कमेंट करने में कंजूसी, हर चीज में कंजूसी। बताओ भाई, पैसा थोड़ी लग रहा है इसमें। और मैं बताना चाह रही थी, मेरी एक वो थी ना मेरे साथ रहती थी, जो यहाँ बैंक वाली लड़की थी संजना, जो मेरी बेटी बनी हुई थी यहाँ पर, जिसका ट्रांसफर आ गया था कि वो चली गई मैंगलोर चली गई थी। अब उसकी शादी है 2 मई की, संजना की शादी है 2 मई की। और उसका कार्ड आया था वहां से, हमें बुलाया है कि आना है। लेकिन वो ये अभी कोरोना की वजह से 20 आदमी से ज्यादा नहीं होगा। और वो वह संजना की है लव मैरिज, पंजाब से शादी, लड़का सरदार है, मतलब सरदार मोना सरदार लगाओ कुछ भी, सरदार है, पंजाबी लड़का, पंजाबी है, लड़की केरल की है। कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा बच्चा खुश रहे बस। तो उसका कार्ड आया था, कुछ नहीं कह रहे थे संजना कार्ड आया, उसका फोन भी आया था संजना के एक दिन। तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी उस दिन, फिर मैंने सोचा करूंगी, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलती है ना, तो फिर लैंग्वेज का हम दोनों का प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने संजना से वैसे बोल दिया है 2 तारीख को तो हम लोग नहीं जाएंगे, 2 तारीख को काफी बड़ा साया है 2 मई का,
तो नहीं जाएंगे वो लोग, यही कर रहे हैं वो लोग शादी पंजाब से, वो लोग यहाँ आएंगे संजना के घर इस साइड में साउथ में, तो उसकी शादी 2 मई की। तो मैं संजना से जब यहाँ आती तभी कहती संजना बेटा शादी हो जाएगी, जब मैं अपने घर जाऊंगी दिल्ली तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी कोई भी फंक्शन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बेटी बनाया अपना। और आप देखो है, मैं कह रही हूँ कितने बड़े बड़े लोग हैं, दीपा कह रही मम्मी च्यवनप्राश खाओ, उससे मैंने खाया तो उससे काफी फर्क पड़ा, इन चीजों फर्क तो पड़ता है देसी चीजों से, पर मैंने बचपन से नहीं खाया। तो आजकल मैं जो देख रही हूँ इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि बहुत सावधानी बरत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लोगों की बहुत हालत खराब है। हम तो भैया छोटे से एक वो हैं, करते हैं सावधानी बरतते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। फिर भी मुझे भी कल सुबह के टाइम फीवर हो गया था, सुबह काय को दोपहर को हो गया था, खाना बनाया था मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरा सिर भारी हो रहा है, और फिर मेरा सिर भारी हो रहा है तो फिर मैंने उल्टी आ रही है जैसे ऐसा लग रहा है। तो फिर मैं आई अंदर, मैंने आके खाना वाना बना के ला के रख दिया था, और उसी बाद में आई तो मैंने अपना टेम्परेचर चेक करा था, तो मेरा 99.7 था, 6 था इतना मेरा टेम्परेचर था। फिर मैं कोचिंग पास भेजना चाह रही थी व्हाट्सएप से, तो मेरा नहीं चल पाया व्हाट्सएप, इतने में कोचिंग आ गई थी। फिर मैं कह रही तो मैं रोने लगी मैं कि मेरे को कोरोना हो गया, क्योंकि सिर में भी दर्द है, कल पैर में भी दर्द हो रहा था, परसों भड़क पैरों में हो रही थी मेरे को, होगा क्योंकि बाहर ही आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा ये नहीं हो सकता ना कि नहीं होगा, हो भी सकता है। फिर कल मैं दोपहर में खाना भी नहीं खाया था क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी, ऐसा लगा जीप सा हो रहा बेचैनी सी हो रही है। फिर छाछ बनाई थी, छाछ जानते हो दही की लस्सी पतली करके लस्सी बनाते छाछ, वो गुड़ से खा के देखना, वो मैंने गुड़ से खाई थी, मेरा मन बहुत अच्छा हुआ उसे खा के, छाछ बना के उसे गुड़ से थोड़ा खाया था मैंने, एक गिलास छाछ ली थी एक डली गुड़ की लेके, उससे मैंने उस छाछ पी थी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ, तो मुझे मैंने मम्मी मेरी माँ का भी फोन आया था, कल क्या हो गया तबीयत खराब है, मैं कि हाँ आज मैंने बुखार हो गया। और सब लोग यही कह रहे हैं एक दूसरे से भाई ध्यान रखो भाई ध्यान रखो, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकता आप बताओ, ध्यान तो पूरा दे रहे हैं। और मुझे तो इतना फोबिया टाइप हो गया है, सारे ये हैंडल वेंडल सब सारा कई कई बार वो सैनिटाइज करके आ रही हूँ, बाहर से छोड़े बैल बजाते हैं लोग आके, उसको भी सैनिटाइज कर रही हूँ मैं, वो तो हर चीज को सैनिटाइज कर, फ्रिज का जैसे ये भी कई बार हाथ लगाते हैं आके, जैसे कई बार वैसे तो नहाने के बाद ही लगाते लेकिन बाई चांस कई बार लग जाता हाथ, तो ये सैनिटाइज करना हर चीज, रिमोट सैनिटाइज करना, एसी का रिमोट सैनिटाइज करना, सब चीज सैनिटाइज करना, ये हो गया है। पिछली बार नहीं हुआ था इतना, अब बार ज्यादा हो गया। चलिए बहुत बात कर लिए, अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, आ जाओ। कैसे हो आप सब, बढ़िया हो ना, और बढ़िया ही रहना ठीक है, और अपना ध्यान रखना। देखिए मैं शाम की चाय लेके आ गई हूँ, मैं ये कौशी जी ने चाय बनाई है, आज छुट्टी है कौशी जी की, तो आप लोग चाय पी लीजिए पहले ठीक है, पहले आप लोग चाय पी लीजिए फिर हम करते हैं बात। बहुत अच्छी चाय बनी है, चीनी नहीं है बिल्कुल भी, फीकी चाय, चलिए कोई बात नहीं। और आज मैंने थोड़ा सा सामान मंगा लिया था, और मैं ये सोच रही थी, मैंने बताया था ना कि भाई ट्रांसफर आएगा जो हम सामान है वो खा लेती है, सब खत्म कर देंगे, तो हमने दाल वाल हमने सारी खा ली है, दाल वाल जो मैंने सोचा ना भाई नहीं मंगवाऊंगी, वो सारी दाल वाल वो जो मैंने मेरे पास रखी हुई थी हमने वो सारी खा ली है। तो अभी फिर ऐसे सुनने में आ रहा, क्योंकि सुनना सही है, ऐसे सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है भाई ये कोविड की वजह से ट्रांसफर रोक दिए जाए, तो उसके बाद आए जब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो बाद में आए, तो रहना तो है, खाना भी है, पेट है तो खाना भी पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कहीं बीच में कोई दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए, लॉकडाउन लग जाए, कर्फ्यू तो लगा पड़ा है संडे को यहाँ पे, वैसे और भी नहीं है, शाम का कर्फ्यू है। तो आज मैं कौशिक जी से कुछ थोड़ा सा फालतू सामान मैंने मंगा लिया है, आप कहते हो ना आंटी आपकी वो शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप दिखाया करो, तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं दिखा लेती हूँ, सामान भी काफी मंगाया है,
वैसे सामान तो मैं मंगा रही थी, सामान कुछ कुछ जो मतलब जरूरत की चीजें थी, लेकिन दाल वाल नहीं मंगाया था, तो आज मैंने ये सामान मंगा लिया है। और देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये चीनी 2 किलो चीनी मंगा लिया है, ये हमारे सामान के साथ फ्री चीनी आई है दोनों, देखिए 15 रूपए एक किलो 15 रूपए लिया है, बाकी सामान साथ लगी है। चीनी कितने हजार का सामान, कितनी चीनी मिलती है? 1500 को 9 रूपए की मिला है 1 किलो चीनी। 1500 का सामान अगर हम लेते हैं तो चीनी जब होगा 1 किलो लेंगे तो 9 रूपए हमें पे करने पड़ेंगे, तो 3000 का सामान लिया है तो इसमें 2 पैकेट हमें मिले हैं, इन्होंने 18 रूपए पे करे है, बस 1 पैकेट पे 9 रूपए पे करने हैं। तो 3 केजी चीनी मिल जाती है, ये 2 ही हो गई है तो चल जाएगी, अगर लॉकडाउन भी लगता है तो चलेगा। और ये देखिए दलिया, ये दलिया लाए कौशिक, 2 तरह का दलिया लाए, ये थोड़ा बारीक है वो, ये थोड़ा मोटा है, लेकिन बहुत अच्छा बनता दलिया। और कौशिक जी ने आज खाना नहीं खाया, खाली वो ही दलिया खाया दूध से और छाछ से, बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने मंगवा लिया दलिया, ये छोटे पैकेट मिले हैं, ये 2 विम बार विम लिक्विड है जो, ये छोटा पैकेट ही मिला है, वैसे ले आए हैं पहले सप्ते जब गए थे तब ले आए थे बड़ा वाला, तो ये थोड़ा छोटा वाला ले गया। और ये मूंग दाल लेके आए हैं 1.5 केजी क्या 1.25 केजी, एक और काम दे भाई, ये 1.5 किलो मूंग दाल लेके आए हैं, 1.5 पाव मैंने खोल लिया है, 1.25 किलो मूंग दाल है, ये दलिया के लिए चाहिए। और जो मेरे को चने की दाल वाला दलिया बना रही बताती हूँ, अच्छा लगता है लेकिन कई मेरे को वो थोड़ा कम पसंद है, तो मुझे मूंग की दाल चाहिए थी, तो सुबह सब्जी लेने गए हैं तब भी ये मूंग की दाल लेके आ गए, 3 पैकेट ही मिले 3 ले आए थे, फिर आज वहां पर गए सामान लेने दोपहर में तो वहां भी मूंग दाल मिल गई है, तो 1 केजी वहां से लेके आ गए हैं। मूंग की दाल हमारे घर बहुत इस्तेमाल होती है। और ये है अरहर दाल, ये भी 1 किलो मंगा लिया मैंने, ये रोस्टेड मूंगफली है, वैसे पिछले सप्ताह मैंने मंगाई है मूंगफली, 1.5 किलो मंगाई है, वो कच्ची वाली है, ये भुनी हुई मूंगफली है। और ये कौशिक जी लाए हैं 3 तरह का चावल लाए हैं, 3 वैरायटी का टेस्ट करके देखना, देखिए ये देखिए, एक चावल है बासमती चावल है 1-1 केजी का ये है, फिर ये है इंडिया गेट का, फिर लेके आ गए ये 3 केजी चावल लेके आ गए। और ये 1.5 केजी बेसन है, कह रही हूँ ना मैं आपकी बार मैंने ना सामान मंगा लिया क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो आएगा नहीं, इसे तो खाया जाएगा। और ये 5 किलो का आटा मंगा लिया है, ये देखिए 5 किलो आटा। और ये मेरा भगवान जी का तेल है, मैं तिल के तेल की जो जलाती हूँ, तो ये तिल का तेल है 1 लीटर, ये नमक, ये पेस्ट है मैक्स फ्रेश टोस्ट, और ये है 2 क्या है, ये रिफाइन है 2 सनफ्लावर के, और ये 3 केजी रिन सर्फ है, रिन पाउडर है कपड़ा धोने का, कपड़ा और साबुन और नहाने वाला साबुन घर में ही रखा है, तो वो मैंने मंगाया, खाली आज मैंने इतना ही सामान मैंने मंगा लिया है क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। अभी और भी है थोड़ा सा, इसमें छपक एक अभी सामान के साथ फ्री में एक छपकली भी आई है, अभी वो कौशिक जी ने निकाल दिया बाहर है, ये हेयर कलर है एक, और एक पैकेट और है टोस्ट का, ये 2 पैकेट हो गए, ये बिस्किट है, और ब्रेड तोड़ के लाए हैं कौशिक जी, ये देखिए ब्रेड को, सब ब्रेड को ना सबसे नीचे घुसा देते हैं नीचे, ये देखिए ब्रेड पैकेट अभी और दिए इसमें तो अच्छा, ये लोवान, और इसमें ये बैंगन है भरते वाले सब डाले सामान साथ में, तो ये सामान मेरा परचूने का हो गया है, ये मैंने परचूने का सामान मंगाया है और वहीं से सब्जी भी मिल जाती है, तो ये मैंने सब्जी दिखा कोशिश सब्जी दिखा दू है, तो मैं पंखा तेज नहीं कर पा रही हूँ यहाँ का, तो बहुत पसीना आ रहा है। ये देखिए ये प्याज है एक ड्रम स्टिक, अभी अच्छे आने लगी है, हो
बहुत बढ़िया लगती है इसकी सब्जी। चीकू, ये चीकू है, आम, मैंगो, ये ना बाहर रखो निकाल के, ये देखिए आम, ये आम है, ये मिर्ची हरी, हरी मिर्ची, ये टमाटर, इसे टमाटर काफी है, टमाटर है ये, ओ सैला सबक सुना है, ये भी हरी मिर्ची है, वो थोड़ी मोटी वाली लेकिन गोल मिर्ची है, मोटी देखो वो साबुत मिर्च ना लाई ना मिली वो लाल वाली लाई वो कुछ चीज। अच्छा ये ला, और ये दिया एक, ये पेठा, छोटा सा पेठा, कुमड़ा भी बोलते हैं जिसको, और ये कोसी जी लेके आए हैं बैंगन, काफी बैंगन लेके आ गए हैं, इससे मैं भरता बनाती हूँ। देखिए अभी भी है इसे 5-6 बैंगन, अब मैं इतना दिखाऊंगी उठा के, ये देखिए ये बैंगन है, ये थोड़ा सा छोटे साइज का बैंगन है इसमें, ये थोड़ा छोटा साइज का भी है इसमें बैंगन, 10 बैंगन है। बापरे, और बहुत गर्मी है, और ये अमरूद 4, और इस थैले में है आलू और कुंदरू, कुंदरू और आलू, ये है पेठा, तरबूज है ये, एक और क्या मिक्स है तरबूज के, खल। अच्छा गाजर मिल गई, वाह। देखिए ये गाजर है, मिल गए काफी, 1 किलो करीब गाजर है, ये गाजर है, अरे मर गए पसीना राम जी, ये देखिए ये गाजर, यहाँ इस तरह गाजर मिलती है लेकिन मीठी होती है ज्यादा, आपकी बार मैंने इसकी सब्जी बनाई थी गाजर की, तो ना या तो टमाटर ज्यादा डालो तो ठीक है, मैं टमाटर मैं कम खाती हूँ खट्टा, तो मैंने 1 ही डाला था तो सब्जी मीठी मीठी बनी थी, लेकिन अच्छी बनती है सब्जी इसकी, थोड़ा 2 टमाटर डाल के, और ये देखिए कोसी की लाई है बड़ा वाला तरबूज, मोटा तरबूज लेके आए, हमने चाय पी रही थी थोड़ी सी इतनी गर्मी में, अब तक तो सोच रहे थे कि 15 तारीख तक ट्रांसफर आ जाएगा तो चले जाएंगे, लेकिन अभी सभी तो सभी घर के बच्चे भी मना कर रहे हैं, अंकुर भी दीपा भी सब मना कर रहे हैं कि पापा से कहो छुट्टी लेके बैठेंगे आराम से, घर में बहुत बीमारी फैल रही है, पर अगर हर एक आदमी छुट्टी लेके बैठेगा तो काम कैसे चलेगा आप बताइए, नहीं ली जा सकती छुट्टी भी है, लेकिन हाँ अपने आप को सेफ रखना है, ढक के मास्क बांध के, वो तो हमारे अपने हाथ में है ना, तो उसी से ही पर अंकुर को, जिन बच्चों को तो होती है आपके परिवार में भी, परिवार वाले लोग जो बाहर रह रहे हैं सबको चिंता रहती है, सब एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं, ठीक हो ना, सब ध्यान रखो, सब यही कह रहे ध्यान रखो सब अपना, बोले जब जब तक भगवान की हाथ हट जाएगा जिस दिन, उस दिन लगा ना बाकी ऊपर भगवान ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए, सब ठीक है और ठीक ही रहेंगे, और दीपा की दवाई वहां नहीं मिल रही है, कुछ दवाई मैं यहाँ से भेज रही हूँ, दीपा की देखो मुझे पसीना, देखो कितना पसीना टपक रहा है, देखा पसीना, देखा है पसीना, देखो मेरा बहुत टपक रहा है, और भी देखो मैंने यहाँ सामान निकाल दिया है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सामान को यहाँ छोड़ दूंगी, ब्रेड छोड़ दिया तो इसे चींटी घुस जाएगी सारे में, इतनी चींटियां इस घर में, पहले डब्बे सारे मैंने खाली कर दिए थे, मैं सोच रही थी चलो अब डब्बे साफ कर खाली हो जाएंगे तो सबके साफ कर करके रखती जाऊंगी, लेकिन कोई वो नहीं है, अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा ही, अच्छा सेफ है हमारे लिए, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, ना आ रहा है तो अच्छा है, कोशिश करे हाँ वो ठीक है, नहीं आ रहा अच्छा है, लेकिन भाई डेट रख देते हैं फिक्स करके कि भाई ट्रांसफर आ गया भाई उस दिन जाना है, चाहे अगर भाई थोड़ी जब दिक्कत होती तो बढ़ा देते डेट को, तब थोड़ा होता, तब थोड़ा होता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे टाइम में हम जाके किसी को बीमार करे, कोई यहाँ पे आएगा ट्रांसफर तो वो यहाँ होके बीमार करे, इससे अच्छा है अपनी अपनी जगह पे सब रहो,
और अपना आप ध्यान रखो। अरे ट्रांसफर आना चाहिए यार, कैसी बात करो। देखो कोशिश की बात, वो तो मैं भी मान रही हूँ, लेकिन इस टाइम में जाना सेफली नहीं है। अगर ट्रांसफर कहीं आता है तो बताओ, होटल में रुकना भी सेफ नहीं है आजकल, जो जिस तरह से बीमारी चल रही है। और बाहर बस और ट्रेन में या कभी हम कहीं बाहर जाएंगे तो वही घर पर ढूंढना पड़ेगा, तो तब दिक्कत है, कोई निकल पाएगा क्या? क्या पता कौन से एरिया में ट्रांसफर आता है और वो उस जगह लॉकडाउन हो ना निकला जाए, तो कैसे ढूंढेगा आदमी मकान। तो हर चीज को देख के सरकार थोड़ा वही कर रही है ना, थोड़ा डिले कर रही है। तो इसमें हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, मैं तो मान नहीं रही बुरा। मैं तो दोबारा फिर सब अपना सारा सामान मंगा लिया है, वहां भी रह रहे थे यहाँ भी, वहां ऑर्डर डर के रहेंगे, वहां ज्यादा बुरा हाल है अपने साइड में। या थोड़ा वो है कि भाई हम दोनों कोशिश जी और मैं हैं, बस चलिए जैसे भगवान की इच्छा है, जब चाहेंगे जब जाएंगे हम अपने घर को। और मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, जो जो भी कोई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। उल्टा बोल दिया था मैंने पता आजकल, क्योंकि ना वो उसमें से खत्म हो रही है बात करने की। वो आज है 1 मई, आज कौशिक जी छुट्टी है, पता नहीं कैसे दे दिया छुट्टी, बस देते नहीं है लोगों को छुट्टी, पर मिल गया है। संडे का भी हो जाएगा कल छुट्टी, आज छुट्टी मिल गया, अच्छा लग रहा है। मैं अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ, पहले मुझको नहीं लगता था, जब मैं जब घर नहीं गई थी, यही थी शादी में नहीं गई थी, यही थी 3 साल से 2 साल से, तब मेरे से कोई पूछता कैसे मन लग रहा है, मन लग जाता है अकेले, तो मैं ये कहती कि हाँ मेरे तो मन लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगता है अकेले अकेले। जब मेरे मुझे जब थोड़ा वो लगता है, बोरियत लगती है, जब जैसे कोई आ गया है भाई, आना तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन जैसे आ गया कोई फिर बहुत कई घंटे बैठ गया है, अब उस टाइम ऐसा होता है कई बार मूड ना हो आदमी का बात करने का, तो वो स्पेशली बात करनी पड़ती है, तो वो हो जाता था। लेकिन अब घर गई हूँ, जब शादी में, शादी के जाने के बाद में जब वापस आई हम लोग यहाँ पे, तो मेरा क्या हो गया है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। और मेरा मन क्या है, मेरे को ना अजीब सा, तो ये जो न्यूज आ रही है ये मन भी नहीं मानता है, मन भी ये करता है कि भाई चल टीवी देख लूँ, न्यूज चला लेती हूँ, देखती हूँ क्या है देश की हालत क्या हो रही है, देख लेते हैं, मन करता है ना। फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो उससे और ज्यादा मन दुखी हो गया। पहले हो सकता है जब मैं पहले रही 2 साल या अकेली, तब हो सकता है मैं ये चीज इतनी नहीं थी, अब तो क्या है दूरी इतनी 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है चीजें। तो अब कोशिश कहते हैं चलो घुमा के लाता हूँ, थोड़ा घुमा लेता हूँ, तो मैं इनसे कहती थी कि ठीक है चलूंगी। एक बार हम गए थे 2-3 दिन के लिए बाहरी अपने, हमारा जो आगे जब बरांडा है ना, जहाँ मैं तुलसी माता की जोत करने जाती हूँ वहां पे, तो 2-3 दिन गए थे। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ था, कुछ दिक्कत थी, अभी नहीं घूम नहीं गई, फिर मैं अंदर ही अंदर घूम लेती थी। तो कल कौशिक जी मेरे से कहने लगे, ज्यादा टाइम भी नहीं था वैसे, जब मैं पहले बाहर जाती थी ना, मैं तो माचिस की रख के लेके जाती थी हाथ में, या फिर मैं लहसुन की कोई कली ले जाती, लहसुन कली लेके जाती थी भाई हाथ में, कि भाई इस चीज से ना कोई नेगेटिव चीज हो ना तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि मेरी छाया बहुत हल्की है। बहुत से लोगों की मतलब छाया बहुत अच्छी होती है, उनको असर नहीं होता इस चीज का, लेकिन मुझे होता है। तो कल हमें इतना वो नहीं था कि भाई हमें कल थोड़ा सा कुछ अजीब होगा कुछ हमारे साथ में। तो कल मेरे कोशिश 9:30-10 बजे थे, ज्यादा टाइम नहीं था। तो जो हमसे आगे वाला बरांडा जहाँ संजना रह रही थी हमारी लड़की थी साथ में, सामने जो घर के सामने दिखाती हूँ मैं आपको, वहां कोई भी नहीं था उस दिन, कल मतलब उस दिन नहीं मतलब कल कोई भी नहीं था। बस वो एक बैंक में एक लेडीज है जो स्टेट बैंक की है, वो आ चुकी थी, तो वो अपना खाना बना के अपने अंदर कमरे में थी, उसका दरवाजा बंद था। तो मैं और कौशिक जी घूम रहे हैं, कौशिक जी थोड़ा ताला वाला ताला नहीं, जैसे एसी चल रहा है ना, एसी बंद करके, तो मेरे पीछे आए, मैं थोड़े 2 मिनट पहले निकल गई घूमने के लिए, तो चक्कर लगाने लगी हूँ। और वैसे जब हम घूमते हैं ना तो हमारी एक आदत है मेरी और कौशिक जी की, जैसे गिनती बोलते हैं एक स्टेप गिनते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं ना, तो हम स्टेप ना गिन के हम इस तरह से करते हैं कि राम राम 1, राम राम 2 ऐसा करके हम राम राम की माला जपते हैं। तो ऐसे राम राम की माला जपते हुए हम घूम रहे हैं, 1, 2, 3 नहीं, राम राम 1 करके माला जाप कर रहे हैं, 108 माला, 108 मतलब नवरूप की मोती की माला का जाप कर रहे हैं। जब हमें कोई 5-10 मिनट हो गए थे, 5-10 मिनट हो गए थे मेरे को कौशिक जी को, पर ऐसा था कि जब कौशिक जी इधर जाते थे तो मैं कौशिक जी थोड़ी पीछे रहती थी, थोड़ी पीछे थी ज्यादा नहीं, मतलब हो 20-25 कदम पीछे मैं कौशिक चलती थी, क्योंकि वो गली छोटी है तो एक साथ दोनों नहीं चल सकते हैं। जब कौशिक जी वापस मुड़ते तब मैं वहां पहुंचती थी उस जगह पे सामने वाली पे। तो घूमते घूमते एकदम मुझे अपने आप को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत जोर से खुशबू आई है, कहां पे
वहां जहाँ पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते जिस इधर साइड से नीचे उतरते हैं ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं जहाँ सीढ़ियां हैं हमारी वहां पर इतनी तेज खुशबू आई है मतलब बहुत तीखी बात जैसे कि किसी ने वहीं पे आके सेट लगाई है। तो मैं घूम के कौशिक जी के पास गई मैं कौशिक जी आके बोली मैंने कि यहाँ पर देखो कितनी जोर से खुशबू आई है यहाँ किसी ने सेट लगाई है खुशबू कैसे आई इतनी तेज बहुत तेज आई है। कौशिक जी ने भी मतलब देखा पता लगा स्मेल से पता लग गई खुशबू आ रही तो नाक में तो आई खुशबू आ रही है हाँ मैंने कि आ रही है ना तो कह रहे कि हाँ फिर भी हमने थोड़ा वो ना रखा मैं बोली जाने दो पर बोलते हैं ना जब कोई नेगेटिव चीज होती है तो बदबू आती है पर नेगेटिव चीज होती है तो अच्छी वाली नेगेटिव चीज होती है तो अच्छी कहते नेगेटिव नहीं होती अच्छी चीज होती है जब पॉजिटिव जब खुशबू आती है हाँ अच्छी जो पॉजिटिव चीज होती है जब खुशबू आती है जब नेगेटिव चीज होती है तो लैट्रिन की बदबू गंदी वाली बदबू सड़ी वाली बदबू आती है जैसे हमारे छत पर आई थी पहले अगर घूम रहे हैं मतलब बहुत तीखी मतलब कोई बंदा नहीं था तो मैं किसी का लगा दूंगा कोई लगा के गया कोई नहीं था वहां पर फिर घूमते तो एक दो चक्कर फिर काटे हमने सोचे चलो घूमते हैं फिर भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं घूम रहे घूमते रहे हैं फिर वो बंद हो गई है वहां फिर नहीं आई है घूमते घूमते फिर वहीं पर फिर देते इतनी तेज महक आई है इतनी तेज फिर मैंने इनसे कही कौशिक जी से फिर मैंने देखो फिर आई है मैं फिर तो कौशिक जी को मन में थोड़ा वो हो गया कि भाई ज्यादा मतलब किसी भी चीज को ना अथा वो करना ठीक नहीं है कि भाई हो सकता है वो और उस टाइम मैंने जब पहली बार खुशबू आई थी तो कौशिक जी मेरे से आगे जा रहे थे मेरे से हमारे घर से आगे निकल गए थे मेरे साइड से तो मैं इनके पीछे पीछे आ रही थी जहां हमारे कपड़े सूखते हैं उस वाले हिस्से पे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है और जैसे मेरे पीछे कोई हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो एक बार पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वहां से कोई चीज नहीं दिखाई थी लेकिन मुझे एहसास हुआ था जब वो खुशबू जब पहली बार मैंने कौशिक जी को बताई है तो कौशिक जी ने जवाब दिया कि हाँ आइए और ज्यादा कुछ मतलब बात को नहीं करा था तो ये मेरे से आगे इस साइड में निकल गए थे हमारे घर से आगे हमारे चौखट पार करके घर आगे चले गए थे। मैं इनके पीछे थी जब हमारे कपड़े सूखते हैं तो वहां से ऐसा लगा था सिटी साइड से मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने दो तीन बार मुड़ के देखा है दहशत से दहशत से अच्छी चीज अच्छा बोली चीज तो वही है ना डर लगता है ना तो मैंने थोड़ा लगा फिर मेरे मतलब रोंगटे भी खड़े हो गए थे उस टाइम मेरे फिर भी मैंने सोचा चलो घूमना हो सकता है बहम कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर देख रही बहम नहीं था थोड़ी देर बाद फिर देख रही हो वो तो फिर इतनी तेज तीखी स्मेल बहुत तेज तीखी वाली मतलब किस चीज की बताऊं बहुत जैसे उस टाइम डाल दिया बहुत तेज वाली वो थी। फिर उसके बाद कौशिक जी ने कहा चलो अंदर चलो अब नहीं रुकना है यहाँ पे मतलब टाइम मैं आपको बताऊं टाइम ज्यादा नहीं था 9:30 या 9:45 बजे होंगे 9:45 है ना 9:45 बजे थे ज्यादा टाइम नहीं था। कहते कि 12 बजे के बाद ये चीज दिखा होता है और जब हम उस दिन छत पर गए थे तब भी 12 नहीं थे वही 9:30 बजे का टाइम था। जब जैसे हम सीढ़ी में ऊपर चढ़े हैं छत पर जाने के लिए तभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी पोटी एक साथ है बहुत सारी पोटी बनी हुई है और बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है सबने सुनी सबको स्मेल आई है दीपा को कौशिक जी को मुझे भी लेकिन वही वीडियो थोड़ा वो हो जाता है ना लालच आ जाता है ऊपर आए चलो वीडियो बना लेते हैं तब वो वीडियो तब उसने मैं घेर लिया गोल होना गोल 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 में। लेकिन कल कैमरा हमने नहीं ले रखा था हाथ में हमारा कुछ भी नहीं था लेकिन हाथ में मतलब हमारा ये फोन वोन भी सब अंदर रखा था बस वो खुशबू के द्वारा जो भी चीज थी वो खुशबू द्वारा थी। फिर उसने हमने फटाफट अपने कपड़े उतारे कौशिक जी का रात को कपड़े सूख रहे थे हमारे क्योंकि रात को जब कौशिक जी आते हैं ना जब वापस ले आते हैं उन्हें उठाते तो कल ये नहीं लाए थे तो वो जी कपड़े को उतार लेते हैं तो ये कहने नहीं सुबह उठा लेंगे कोई बात नहीं चलो अंदर चलो। फिर मैंने ना मैंने मुझे कपड़े उतारने हैं फिर मैं कपड़े उपड़े उतार के और लेके बाहर वाले कमरे में मैंने कपड़े रख दिए हैं तब मैंने आके मैंने फटाफट मैंने दीपक के पास फोन करा दीपक को बताया है तो दीपक कह रही है मम्मी किस लिए गई थी आपको क्या मतलब तक क्यों जा रही हो बेटा मैंने 9:30 बजे कोई ज्यादा टाइम भी नहीं है और ये भी देखो ना पर ये इसलिए एक चीज का मैं आपको बताती हूँ हम ना भगवान का नाम ले रहे थे ना हो सकता है इस चीज के उस टाइम पे असर नहीं हुआ उस चीज का क्या पता वो भगवान ही हो कहते हैं ना जो खुशबू के साथ आती है वो भगवान भगवान का ही होता है लेकिन इंसान है ना हम तो इंसान है तो हम तो डर गए मैं ही नहीं कौशिक जी डर गए थे हम दोनों ही अंदर आ गए फिर आपके लाइट वाइट ऑफ करके अंदर आके बैठ गई और ये मेरे साथ और मेरे कौशिक जी के साथ में हम दोनों के साथ में ये रियल घटना है जो हमारे साथ घटित हुई है और जो मेरे पीछे पीछे चल रहा मुझे खूब एहसास हो रहा है कि मेरे पीछे आ रहा कोई और फिर मैं आगे भाग रही हूँ मेरे पीछे पीछे चल रहा है लग रहा है पीछे आ रहा है दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ एहसास पूरा है कि हाँ मेरे साथ साथ पीछे बराबर में नहीं चल रहा है मेरे पीछे आ रहा है ये नहीं कहूंगी कि मैं बराबर बराबर चल रहा है मेरे पीछे चल रहा है वो कौशिक जी आगे मैं इनके पीछे थी काफी कदम पीछे थी और वो मेरे पीछे था जो भी थी देवी माता कोई भी था मैं किसी को मैं वो नहीं रखूंगी। लेकिन कल फिर हम दहशत से अंदर आ गए दीपा कह रही है कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को बरांडे में घूमने की
आप लोग घर में घूम लो और आप कभी मत जाना बाहर निकल के, मैं तो विरोध करने जाती हूँ। आपको पता है हमारे सामने एक मद्रासन है, उसका बरामदे का लाइट ना उधर जलती है रोड के साइड में, उधर ही है उसका रोड के साइड में दरवाजा ऊपर का, हमारे साइड में कोई नहीं है, बिल्कुल सबके दरवाजे बंद, सारी लाइट ऑफ। जब मैं जाती हूँ विरोध करने के लिए उस टाइम में लाइट जलाती हूँ, अंधेरा हो जाता, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। उस टाइम में जब लाइट जलाऊंगी उसके बाद पूरे बरामदे में थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है, और वहां तो बिल्कुल भी नहीं थी कल। कल तो हमने भी अपनी लाइट नहीं जला रखी, ऐसे बताऊं मैं। और कल कौशल जी बैंक से आए, आने के बाद धुनी करी है, धुनी करने के बाद ना ये लाइट ऑफ करके आ जाते हैं, क्योंकि वो तितली वो पंख वाले मच्छर आ जाते हैं, फिर वो हमारे एडजस्ट वाली जगह से ना रसोई में आ जाते हैं। जैसे भाई बाहर की लाइट बंद हो जाएगी तो वो अंदर तरफ आ जाएगी, अगर बाहर लाइट जला के छोड़ देंगे तो हम तो लाइट कम इस्तेमाल करते हैं बाहर वाली, हम डर की वजह से कि मच्छर होंगे फिर वो अंदर आएंगे। कौशल जी आए तो इन्होंने धुनी करी, उसके बाद लाइट ऑफ करके आ गए कौशल जी। फिर जब हम मैं और कौशल जी घूमने गए ना तो लाइट हमने ऑन नहीं करी थी, हमने अपने यहाँ की भी नहीं ऑन करी थी, बस वो मद्रासन के आगे की साइड की घर की ऑन थी, हमारे साइड की ऑन नहीं थी ना, वहां तक किसी की ऑन नहीं थी, बस हम दोनों मैं और कौशल जी अंधेरे में घूम रहे थे। बस इतना था, कल रात को अंधेरा था, ये भी हमने लाइट नहीं जलाई थी, अंधेरे में घूम रहे थे, मैं वही लाइट जलाएंगे मच्छर आ जाएंगे। देखिये मैंने आज अपनी ये घटना आपको बताई, बहुत से लोग ये कहेंगे है कुछ नहीं आंटी अब ऐसी है कहीं से आ गई होगी किसी ने, नहीं हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था आसपास में, भाई किसी ने लगाई हो किसी दरवाजा खुल रहा हो, कोई नहीं था, चारों तरफ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि हमारे से ऊपर जो सीढ़ियां हैं सारी लाइट वाइट सब ऑफ थी, जो सीढ़ी चढ़ती है ऊपर छत पर जाने के लिए सब ऑफ थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये रियल घटना मुझे बहुत एहसास होती है, कौशिक जी को भी बहुत एहसास होती है, इसलिए मैंने कौशिक से कहा था कि आपको आई है खुशबू आ रही है, बोले कि हाँ आ रही है, फिर एकदम बंद हो गई है। ये भी ना भाई खुशबू आ रही तो काफी देर तक आनी चाहिए है ना, फिर एकदम बंद हो गई है, थोड़ी देर आई है फिर एकदम बंद हो गई है, उसके बाद फिर घूमते रहे हमने कहीं, फिर उसने वो चीज है जो उसने फिर दोबारा एहसास दिलाया है, फिर वो दोबारा फिर की वो आई है खुशबू, फिर कौशिक जी कहने लगे चलो भाई अब अंदर चलते हैं। चलिए आप बताना, वैसे मैं डरती नहीं हूँ, पूजा करते पूजा करने वाला आप डरता है क्या? नहीं डरती मैं, डरती नहीं हूँ, पर मैं इन चीजों को चैलेंज भी नहीं करती हूँ ना मैं डरती हूँ। चलो मैंने आपके साथ एक रियल स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर की है, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।